हमारी खीर का फाइनल लुक जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। माशाल्लाह से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है और खाने में बहुत अच्छी लगेगी ये। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबा के किचन में। आज हम बहुत स्पेशल चीज़ बनाएंगे जो सर्दियों में सभी को पसंद होती है, गन्ने के जूस की खीर। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में, अपने ससुराल में, सारे में शेयर करें ताकि वो भी हमारी रेसिपीज़ देखें। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें कि हम जो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज डालें आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज, हम इसकी गंदगी रिमूव करने के लिए इसमें ऐड करेंगे एक चुटकी जितना नमक। ये देखिए, इसकी गंदगी सारी ऊपर आ चुकी है, देखिए। ये सारी रिमूव कर लेंगे हम। क्या बना रही हो इसे? सो गाइस, रस से हमारी गंदगी रिमूव हो चुकी है, रस हमारा साफ हो चुका है। और मैं आपको बताना भूल गई थी, ये 1.5 किलो की क्वांटिटी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। हमने 1 कप जितने चावल लिए हैं। अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे ना। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। सो गाइस, अपनी खीर को कालेपन से बचाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। माशाल्लाह से इसमें कलर बहुत प्यारा आ चुका है और ये बनकर भी बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसे ढक देंगे। सो गाइस, देखते हैं हमारी खीर बनी है कि नहीं। खीर हमारी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली। अब हम इसे ढककर रखेंगे, 5 मिनट और पकाएंगे। देखिए, हमारी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्लेवर आया इसका। देखिए कितनी अच्छे से बन चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमारी खीर का फाइनल लुक है जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगने वाली है।
तो हम इसे ट्राई करके देखेंगे। अब यह है हमारी खीर का फाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। माशाल्लाह से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है और खाने में बहुत अच्छी लगेगी। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें।